अयोध्या में भगवान राम के दर पर सीएम योगी की दिवाली। 18 अक्टूबर को सीएम योगी अयोध्या में दीपावली मनाने वाले हैं और अब की बार श्री राम के दर पर योगी की रिकॉर्ड तोड़ दिवाली होगी। अयोध्या की दिवाली को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी अयोध्या को 1,71,00,000 दीयों से रोशन करेंगे। तो श्री राम के दर पर सीएम योगी की रिकॉर्ड तोड़ दिवाली। आपको बता दें कि अयोध्या की दिवाली को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी। तो सीएम योगी अयोध्या को 1,71,00,000 दीयों से रोशन करेंगे और 1,71,00,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो इससे पहले 2016 में 1,50,00,000 दीयों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन अब इसे ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। दीप प्रज्वलन का यह रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी में है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में दीपावली मनाएंगे और इस दीपावली अयोध्या में उतरेगा पुष्पक विमान। तो विमान में लंका से लौटेंगे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान। इसके अलावा आपको बता दें कि विमान में अयोध्या में उतरेंगे भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। देखिए, भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का एक स्थान है। अब तक उसको राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर उस स्थान को अछूत माना गया। वहां कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए, वहां कोई योजनाएं नहीं पहुंची। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो वहां दीपावली पूरे देश में मनाई गई थी। तो दीपावली का वहां उत्सव होगा और इस नाते हम जो हमारी करोड़ों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है वो लोगों तक पहुंच। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे इस बीच मेरे सहयोगी अविनाश का। अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, रिकॉर्ड तोड़ दिवाली इस बार मनाई जानी है और 1,71,00,000 दिए प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, इस बार की जो दिवाली होगी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो हर साल यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है और कुछ अलग तरह की दिवाली मनाई जाती है, लेकिन चूंकि इस बार जो दिवाली का आयोजन है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो यूपी का पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से किया जा रहा है, तो इस बार की दिवाली बहुत ही खास होने वाली है। उसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसको भी भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे हम शोभा यात्रा की बात करें या फिर पुष्पक विमान से जब श्री रामचंद्र पहुंचेंगे उसकी बात हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी वो भी बहुत खास होगी। उसमें 11 रथों को शामिल किया जाएगा और रामलीला का पूरा मंचन है वो शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से लेकर रामकथा वाटिका तक जाएगी और जहां से भी अंजलि वो शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, फूलों की बारिश कराई जाएगी, जो भी कलाकार मंचन करेंगे उस शोभा यात्रा के दौरान। इसके अलावा अगर साफ सफाई की बात करें तो सरयू किनारे जो तमाम घाट बने हुए हैं, आमतौर पर वहां अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो एक हफ्ते पहले तक वहां गंदगी का अंबार था, लेकिन एक हफ्तों के दौरान चूंकि पिछले एक हफ्ते से वहां पर सफाई का काम चल रहा है तो जो घाट है उनके भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अंजलि कि दीपावली के मौके पर यूपी सरकार या यूं कहें कि सीएम योगी की तरफ से 135 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं यहां पर शुरू की जाएगी। हालांकि उसमें जो सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं वो सड़कों के चौड़ीकरण का है, घाटों के सौंदर्यीकरण का है। हालांकि सीएम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अयोध्या को सांस्कृतिक विरासत के तौर पर एक और एक पर्यटन स्थल के तौर पर उभारने की कोशिश है उनकी, तो इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि जो तमाम यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही उसको उस लिहाज से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि जो पूरा सरकारी अमला है और खासकर जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं पिछले एक हफ्तों से यहां पर जमे हुए हैं, जो तैयारियां हैं उसकी उसका जायजा ले रहे हैं। और खास बात यह भी है अंजलि की खुद सीएम योगी की देखरेख में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जो यहां की तैयारियों की जानकारी प्रमुख सचिव सूचना के जरिए उनके माध्यम से सीएम योगी तक पहुंचाई जा रही है। तो इस दिवाली को भव्य बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि सीएम योगी के साथ साथ जो योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे। एक बात और है कि इस बार जो विदेशी कलाकार हैं, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की या श्रीलंका की, तो जो वहां की रामलीला कमेटी है वहां के कलाकारों को भी इस बार बुलाया गया है। वे कलाकार भी रामलीला का मंचन करने वाले हैं रामकथा वाटिका में। तो जो दिवाली का इस बार का त्योहार है उसको
को लेकर जो अयोध्या के लोग हैं वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अयोध्या विकास की दौड़ में पिछले कुछ दशकों में बहुत पीछे छूट गया था, उनको अब ये लग रहा है कि ऐसे आयोजनों के जरिए हो सकता है कि जो अयोध्या का विकास है वो तेजी से हो, जो विकास रुका हुआ था वो विकास कहीं ना कहीं आयोजनों के जरिए आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, अविनाश आप नजर बनाए रखें, शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के।